नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में जवान की आंख में गोली लग गई थी, हालांकि उनकी सर्जरी हो गई है लेकिन हालात नाजुक बनी हुई है और उन्हें इस वक्त अपनी सलामती की दुआ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड दहशतगर्दों के सफाई के लिए सोमवार को हुए आतंकवादी मुठभेड़ में हिमाचल के ऊना का जवान घायल हुआ है। उस पर लवाना माजरा के रहने वाले सैनिक रविंद्र कुमार पुत्र द्वारा आंख में गोली लग गई। देवेंद्र का चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र की आंख से गोली निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया है, इसके अलावा एक सर्जरी भी होगी। सैनिक के घायल होने की सूचना मिलते ही उनके परिवार वाले चंडीगढ़ रवाना हो गए हैं। क्षेत्र के इस जावा सैनिक का सलामती के लिए लोग दुआ कर रहे हैं। देवेंद्र कुमार 2011 में 51 आर्म में भर्ती हुए थे और पिछले 3 साल से पुलवामा में तैनात थे। बताया जा रहा है कि देवेंद्र की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई थी। उनके 2 भाई और 1 बहन है जो देवेंद्र की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। वही देशवासी भी दुआ मांगने की अपील की है। बता दें कि मुठभेड़ में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गाजी और कामरा समेत 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद देश में आक्रोश का माहौल बन गया है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए आतंकी